हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? हम लोग जो भी रूफटॉप में प्लांट सब लगाते हैं, जो टॉप के लगाते अंदर हैं या बढ़िया। कंटेनर में लगाते हैं ना, तो एक ही हम लोग का प्रॉब्लम होता है कि जो सीताफल होता है उसका फूल गिर जाता है, वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो एक उसका सॉल्यूशन है जो मैं 100% सक्सेसफुल हुई हूँ, वही बताऊंगी। आप ऐसे करो, फूल में एक एक पतला सा ब्रश ले लो और फूल में जो रेणु होता है ना, थोड़ा सा उसको लगाते हैं, आप पुंग दंड में लगा लगा दो, अपना हाथ से लगा लगाओ, मतलब हैंड पोलिनेशन करिए। हर फूल को आप हैंड पोलिनेशन कर दीजिए, क्योंकि इसका जो पुंग दंड होता है वो नीचे के तरफ मुंह करके रखता है। तो क्या होता है, जो रेणु होता है वो उसमें हमेशा लग नहीं पाता है, मतलब जितना क्वांटिटी में लगना चाहिए फल कन्वर्ट होने के लिए वो नहीं लग पाती है, तो नीचे गिर जाती है। इसीलिए जब भी ये फूल कली से फूल खिल गया हो, तो उसी दिन आप सुबह 7 बजे के अंदर, और आग तक वो तो अच्छा खिलने है, लग उसके तो बाद जाता है ये ना। रेणु नीचे गिरने लगती है। आप ऐसे एक पतला सा ब्रश ले लो, मेरे पास ब्रश नहीं थी तो मैं ये ले ली, एक जो ईयरबड है उसको ले ली और तो उसका रुई को निकाल दी, और उससे क्या किया ना, रेणु को उसमें लगा के फिर जो पुंग दंड होता है उसमें मैंने लगा दी। ऐसे मैंने कई बार सक्सेसफुल अच्छा हुई है, लगता है तो मैं इसीलिए ये तरीका बता रही लगाने हूँ, के लिए। आप भी ये करके देख सकते हो। ऐसे तो एक बार फूल खिलने से करीब करीब 2 दिन तक इसका पुंग दंड सही रहता है, मतलब कन्वर्ट करने के लिए फलों में। लेकिन आप ऐसा करो, जिस दिन फूल खिलता है उसी दिन मॉर्निंग में, मतलब सूरज का तेज होने से पहले 7 बजे के अंदर, आप ऐसे एक पतला सा ब्रश ले लो और हैंड और उससे पोलिनेशन कर रेणु लीजिए। निकाल